यो अस्सलाम वालेकुम यार। अभी मैं लाइव आया था, बस गुजरा एक डिस्कशन करनी थी यार कुछ। अच्छा खैर, एक जरूरी बात है वो मैं करूंगा, जो हमारा छोटा सा गिग हुआ उससे रिलेटेड, और क्यूडोस कैफ जहाँ पे हम परफॉर्म करें उससे भी रिलेटेड। फैन से बहुत 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 ज्यादा रिक्वेस्ट है फैंस और फॉलोअर सबसे। अच्छा क्यूडोस कैफ में मैंने ना असल में कुछ रैपर्स हैं यार, सही है। अब मुझे नाम लेना भी यार अजीब लगता है, इसलिए बस समझ लेना, बल्कि नाम ले लो नीनो है, नीनो नाम है उसका ना, नीनो पॉर्न स्टार है वो। उसने क्या किया है इन लोगों ने, शुगल सुनो, शुगल पूरा शुगल सुनना, हुआ क्या है। ये लोग आए हैं कैफे, क्यूडोस कैफ नाम है जहाँ पे हमने भी परफॉर्म किया, फुटेज पड़ी हुई है। फुटेजेस भी पड़ी हुई है बहुत सारी, मतलब प्रूफ्स हैं, वही लास्ट टाइम की तरह आउट कर सकते हैं जैसे जस्टिन बीबर के नोट्स आउट किए थे। कैफे में आए, कैफे वालों को बोलते हैं चैन का गिग कैंसिल कर लो, तुमने 1,000 की टिकट रखी, हम 500 की रखेंगे, हम 2 गुना ज्यादा लोग करेंगे, हम 4 गुना ज्यादा लोग करेंगे। और क्या कहते हैं कि कितने पैसे दिए हमने क्यूडोस कैफ को, पैसे दिए हम डबल ट्रिपल, हम ट्रिपल पैसे देंगे, 3 गुना ज्यादा पैसे देंगे हम, ठीक है। इस तरह की मैं मतलब सारे प्रूफ पड़े मैं, सही है, अगर ये बात से डिनाई कर दे मैं सारी प्रूफ दिखा दूंगा, सारी चीजें पड़ी है, कोई छूट नहीं है इसमें। मैं हैरान, मैं यार पता है हैरान क्या होता हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि यार नीनो को देख लो, 4 फुट का रैपर है, सही है, वही जिसको पता है स्टोरी में, जिसके साथ मैंने खुद भी फैन करने की बात की थी सारे ग्रुप के साथ ना, लेकिन ये सुधरे नहीं। मैं हैरान ही होता हूँ यार किसके साथ जस्टिन बीबर है, इसके साथ इतने बड़े बड़े स्टार्स फिरते हैं, सबके तो उठाता है, तो सब फिरेंगे जाहिर है, स्टेजों में उछलता है सबकी, दूसरों की स्टेजों में जाके उछलेगा, तो यार इसको पड़ी है हमारे एक छोटे से गिग वो कैंसिल करवाने का, इतना बेचारे पागल हो गए। यार ये भी क्लियर कर दो कि वो नीनो के साथ एक और बंदा भी आया था। हाँ नीनो के साथ यार, वो एक पतला सा नहीं चर्सी जो हवा से उड़ जाता है, करे ना उड़ जाएगा वो तो पूछी से उड़ जाएगा। कहता है मास्क पहन के आना, ये करना वो करना, यार मैंने सोचा यार चलो 2-3 तो आएंगे ना, 2-3 दो, एक बंदा भी नहीं आया यार, एक बंदा तक नहीं आया यार। मैं हैरान, मैं कहा यार यार ये कैसी फैन बेस है यार, तो मैं हैरान हो गया। फिर मुझे यार खुशी भी हुई कि म्यूचुअल फैन बेस थी, हेट वेट भी आए। हाँ हेट वेट शो नहीं हुई, म्यूचुअल फैंस बहुत थे बीच में यार, मतलब खुशी ये हुई कि चलो यार ये सीन नहीं हुआ जो मतलब होना चाहिए था, ठीक है। सेकेंड चीज ये कि मैं सारे अपने और तो भी जरूरी बात तो नहीं रह गए ना इससे रिलेटेड, नीच हरकतें की हैं सारी, बस बोलो। और नेक्स्ट भी हम जहाँ कॉन्सर्ट करें ना वहाँ 10 गुना पैसे ऑफर करके देंगे शायद मान जाए। और ना नेक्स्ट भी, हाँ नेक्स्ट भी जहाँ हम कर रहे हैं यार, ये सारे जो चर्सी और ये सारे ग्रुप हैं, ठीक है यार, मैं अभी भी लिटरली अभी मैं यकीन नहीं हो रहा, मैं बातें सुन रहा था ना, मैं हैरान हो रहा था कि यार इतने डेस्परेट लोग हैं कि आ गए मिल गए कैफे वालों को ऑफर करवा रहे हैं, सारी कॉल भी पड़ी, कॉल्स पड़ी हुई सारी, भी पड़ी हुई ऑफर ऑफर करवा रहे हैं कि यार इनका गिग कैंसिल करो, हम लोग तुम्हें सारे रैपर्स बुला देंगे, हम लोग तुम्हें जस्टिन बीबर को बुला देंगे, हम तुम्हारे कैफे मशहूर कर देंगे। और ये मैं झूठ नहीं, मैंने आज तक एक भी झूठ नहीं बोला, सारे मैं आज तक सच बोल के आया, मैं प्रूफ दिखाते रहा लोगों को, ठीक है। तो अच्छा दूसरी बात ये कि जो जरूरी थी, मैं सारे फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, क्यूडोस कैफे है, मुझे अच्छी बात इनकी ये लगी, जितने भी मैनेजमेंट जिनका कैफे है, जितने भी लोग हैं, मोहित हो गया और अब्दुल रहमान भाई हो गए सारे यार, इन लोगों को मतलब मुझे खुशी ये हुई कि यार लॉयर रहे और पैसों से बिके नहीं, इन्होंने मतलब बहुत कोशिश की, लिटरली 5-6 दिन तक लगे रहे थे यार, कैंसिल करो कैंसिल का नहीं माने, कहते अच्छा मीट एंड डेट कर लेंगे साइड में बैठ के ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी नहीं माने। फिर उन्हें क्या क्या कहा, हम एक दिन पहले आधे घंटे का कॉन्सर्ट करेंगे, आधे घंटे का कौन सा यार कॉन्सर्ट होता है। फिर चर्सी ने ना, चर्सी खुदा के मिला, चर्सी ने आके बोला हम आधे घंटे का कर लेंगे, वो भी नहीं माने। फिर कहने अच्छा हम पहले कर लेंगे इनसे, वो भी नहीं माने, कहने अच्छा हम बाद में कर लेंगे, अब उसका नहीं पता। हाँ। वो डिपेंड करते हुए जा रहे कैफे हमारे, लेकिन अच्छी बात ये हुई, खुशी ये हुई कि क्यूडस कैफ की जो टीम थी वो कम अज कम यार उनके पास अपॉर्चुनिटी थी ज्यादा पैसों की, वो मतलब कर सकते थे, उनको वो अपना बिजनेस देख सकते थे, लेकिन इत्तफाक ये हुआ कि क्यूडोस कैफ वाले भी हमारी मतलब म्यूजिक है जो, और हमारा हमारा जो आर्ट है उसको लेके बहुत सपोर्टिव थे, तो उनकी नीयत ये थी नहीं पैसों वाली, और ये अल्लाह की करनी है, अल्लाह की तरफ से ही था यार, वरना अगर कोई और नॉर्मल बंदा होता ना वो बिक जाता। और ये इतराते हमने कैंसिल करवा दिया, अंदर पैसे लगाते, शायद जस्टिन बीबर भी पैसे देता है जो भी यार,
पैसों की तो कमी है नहीं, जब आप सबके उठाओ ना पैसे और सबके उठा के उठाने के थ्रू आप इधर स्टेजों में स्लो एड्स लो, पैसे तो आ जाते हैं, और इसमें क्या होता है ठीक है, उठाए बगैर नाम कमाना बहुत मतलब टाइम लेता है थोड़ा, तो ये सीन है। तो खैर बाकी यार बहुत मजा आया ठीक है, बहुत क्वालिटी का गिग था और मैं बहुत अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र हूँ। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं, लोग कम थे कुछ ऐसे कह रहे हैं ना, और कुछ लोग मैं कुछ मीम्स भी देख रहा था ना अभी बैठ के, हम अभी हंस रहे थे नीचे हम लोग ना मतलब अपडेट देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा लोग तो आ जाते हैं लड़ाइयों में, भाई हजार हजार टिकट दे के आते हैं लड़ाई देखने, वो चर्चियों की तो टिकट भी 200 रुपए की होती है। मतलब मैं अगर वहां पे 10 लोग भी आते ना, 10-5 लोग भी आते मैं खुश हो जाता, मैं फिर भी दिल से परफॉर्म करता हूँ यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ मुझे 3 साल है मैं तो खुश हूँ, जो भी मुझे अल्लाह मतलब देता है मैं खुश होता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अभी भी लिटरली खुश हूँ, क्योंकि मैं जो मेरी सक्सेस है या जो मैं कर रहा हूँ स्ट्रगल, मैं उस स्ट्रगल को किसी से नहीं कंपेयर कर रहा होता, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरा पहला प्रॉपर और बहुत प्रॉपर गिग हुआ था, इससे पहले कोई प्रॉपर गिग नहीं होता, थैंक्स टू ओवेस फॉर विदाउट दिस गाय द गिग वॉज इम्पॉसिबल। तो खैर बाकी यार थैंक यू सो मच, लास्ट जो मैं पने इधर उधर निकल गया, क्यूडोस कैफ को गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा क्यूडोस कैफ है ना, क्यूडोस कैफ ठीक है, उनको फॉलो करो और उनको लाइक करो, उनका कैफे जाके ट्राई करो, लाहौर जौहर टाउन क्यूडोस कैफ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा, बर्गर्स का टेस्ट बहुत फिट था, प्लीज ट्राई करो मेरे कहने पे जाओ, और जितने लोगों ने वीडियोज बनाई है एक दो दिन में शेयर कर देना, जो फोटोज लिए टैग करना मैं रीशेयर करूंगा, और क्यूडोस कैफ को जरूर टैग करना, क्योंकि क्यूडोस कैफ इंशाल्लाह साथ ही जोड़ के हम चलेंगे, क्यूडोस कैफ अब जब भी लाहौर का सीन होगा ना हमने क्यूडोस कैफ में करना, तो आना जाना में रखना, और सारी बातें बता दी है, कोई भी इसमें झूठ नहीं था, जो जो बातें बताई है पैसों वाली, 3 गुना सारे पैसे, मैं हैरान था इतने डेस्परेट हो गए बेचारे, पहले टेस्ट कर रहे थे रूहानी इलाज क्या, कोई नहीं देखा दूर दूर तक, उसके बाद स्टोरीज में आ गए इंस्टा में और अंदर से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पैसे खिला रहे लोगों की, चैन का वाटर उस पार पॉलिटिक्स, हाँ चैन का 50-60 लोगों वाला 80 लोगों वाला गेम कैंसिल करो हम 3 गुना ज्यादा पैसे देंगे। वाह भाई यार जबरदस्त यार, मैं मतलब एक बंदे के अंदर मैं गिग में भी सेल्फ रिस्पेक्ट की कुछ एलिमेंट होता है, एक चीज होती है, इतनी नीच हो गए मुझे नहीं पता था यार, लेकिन अच्छा है ऐसे टाइम्स में ना लोग फिल्टर होते हैं, आपको पता होता है कौन सा आता है कौन नहीं है, हमारे तो लोग फिल्टर करना आसान कर दी, प्रमोशन भी फ्री में कर दी, और प्रमोशन भी फ्री में कर दी, असलियत भी दिखा दी कि कौन सा आता है कौन नहीं है, तो थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।